जी जो तो सलाम आदाब नमस्कार। बहुत ही जबरदस्त कंपनी का क्लाइंट अरबी इंटरव्यू है मेरे भाई। क्लाइंट का खुद अरबी आया है, आपका इंटरव्यू करेगा और इंटरव्यू पास जैसे हुए तुरंत ऑफर लेटर पे साइन करिए और गमका मेडिकल करा दीजिए और वीजा लीजिए जान लीजिए। इतना बेहतरीन कंपनी और इतना फास्ट काम शायद मैंने लाइफ में नहीं किया हुआ है और आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि यह वीडियो देख रहे हैं। आप अपने साथ साथ अपने चाहने वालों को अपना नादिजार का भी फ्यूचर आप बना सकते हैं, क्योंकि ट्रेड लंबा है मैं बता रहा हूं। तब तक आप शेयर करिए, जो भी साथी हमसे बात करना चाहता है वीडियो को शेयर करें ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। जब तक आप शेयर करें तब तक मैं रिक्वायरमेंट बता रहा हूं आपको। ये देखिए क्लाइंट इंटरव्यू है, अरबी क्लाइंट डायरेक्ट आया है। ऐसा नहीं है कोई दिल्ली बॉम्बे वाला ऑफिस है, डायरेक्ट कंपनी से काम है और क्लाइंट अरबी खुद आया है, इंटरव्यू लेगा और ऑफर लेटर देगा। पहला चीज, इसमें टोटल जो है जो भी रिक्वायरमेंट यहाँ लिखा है आप फोटो ही सकते हैं। हेल्पर सबसे पहले 200 हमको हेल्पर इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें पासपोर्ट 10 फेल हो या 10 पास हो सारा का सारा हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, हेल्पर कोई भी रहे हो जाए, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर सिर्फ विदेश रिटर्न वाले चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर जो भी लोग आएंगे वो विदेश रिटर्न रहेंगे, फ्रेशर आदमी नहीं चलेगा। इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर दो ट्रेडों में अगर फ्रेशर आते हैं तो उनका किराया भाड़ा प्लस 500 रूपया नुकसान जाएगा। बाद में जो है हमारी हमारी गलती नहीं रहेगी, टोटल गलती आपकी रहेगी, क्योंकि मैं साफ साफ बता रहा हूं जो भी ट्रेड है रिक्वायरमेंट जो भी मैं बता रहा हूं उसमें इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर मैं बार बार कह रहा हूं कि यह लोग सिर्फ विदेश रिटर्न चाहिए, बाकी लोग इंडिया एक्सपीरियंस है कोई दिक्कत नहीं। दो ट्रेडों का उसने विदेश रिटर्न माना है, ध्यान दीजिएगा। और ऐसा नहीं जाके वहां लेबर ही किए हैं और आके इलेक्ट्रीशियन में घुस जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो यह जो है 22 अक्टूबर को संडे को इंटरव्यू है। हेल्पर जो है 200 चाहिए, जिसकी सैलरी 90 प्लस 10 है, ध्यान दीजिएगा। टोटल 100 बहरीनी दिनार का कितना पैसा बनता है मैं वो भी जोड़कर आपको बता दे रहा हूं। बहुत से लोग हैं बीडी वर्सेस आईएनआर, ये देखिए यहाँ पे इसमें बहरीन का 120 रूपये चल रहा है आज के डेट में, भाई साहब ध्यान दीजिएगा। यह 100 बीडी का टोटल जो है 22,043.55 रूपया आ रहा है, ठीक है। यह 22,000 रूपया जो है सिर्फ 8 घंटे का है, उसके बाद ओवर टाइम है, जुमे के दिन काम करेंगे तो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, ठीक है। यह देखिए हेल्पर चाहिए, 90 प्लस 10 सैलरी है, 200 हेल्पर चाहिए। इलेक्ट्रीशियन 100 चाहिए, जिसमें जो है 120 प्लस 20 टोटल 140 बीडी जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 8 घंटे का है। इलेक्ट्रीशियन विदेश रिटर्न ही चलेगा, पासपोर्ट कोई भी हो। प्लम्बर का भी सैलरी 120 प्लस 20 है, टोटल 140 बीडी है, 100 आदमी चाहिए, इसमें भी जो है विदेश रिटर्न ही चलेगा। आप यहां पे देख सकते हैं 140 का जो है 30,860 रूपये हो रहा है, लगभग 31,000 के बराबर, सिर्फ 8 घंटे का। इसके हिसाब से आपको 2 घंटा 3 घंटा ओवर टाइम करेंगे उसका भी पैसा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। जुमे के दिन अगर जाते हैं ड्यूटी तो उसका डबल ड्यूटी मिलेगा। तो जो भाई साहब पैसे कमाना चाहते हैं यह कंपनी सबसे बेहतर है उनके लिए। इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर 100 चाहिए, जिसमें जो है इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर सिर्फ और सिर्फ विदेश रिटर्न चाहिए। एक भी इंडिया वाला आदमी आ जाता है उसका काम नहीं होगा, ऑफिस का एंट्री नहीं होगा, 500 फाइन भी देना पड़ेगा। इसलिए इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर नहीं आएंगे जो इंडियन एक्सपीरियंस है। स्टील फिक्सर मेसन टाइल्स मेसन ने तीनों ट्रेड का इंडिया भी इसमें चल जाएगा, बाहर वाला भी चल जाएगा। स्टील फिक्सर भी 100 चाहिए, 120 बीडी प्लस 20 बीडी सैलरी है। मेसन भी 100 चाहिए, 120 बीडी प्लस 20 बीडी सैलरी है। टाइल्स मेसन भी 100 चाहिए, 120 बीडी प्लस 20 बीडी सैलरी है, ठीक है। इसमें जो है पासपोर्ट, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, एक एक जानकारी मैं दे रहा हूं, आप वीडियो को शेयर करिए मेरे भाई, सर्विस चार्ज लगा जो भी है सारा कुछ बता रहा हूं, अच्छे से समझ लीजिए, दिमाग क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आइए इंटरव्यू देने के लिए 22 तारीख को, क्योंकि क्लाइंट इंटरव्यू है, अरबी खुद आया है, ठीक है। अगर अरबी नहीं आया रहेगा, बहुत से लोग हैं जो लाइव में बहुत कुछ फेसबुक पे बोल देते हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, अगर अरबी नहीं रहेगा तो हम आपका आने जाने का पैसा देंगे। कंपनी का अरबा नहीं आएगा मेरे ऑफिस में, अरबी नहीं रहेगा तो
तो मैं खुद आपको पैसा दूंगा, भाई साहब ये पैसा लीजिए, किराया भाड़ा जो भी है मैं दे रहा हूँ आपको, इसलिए चांस मिस मत करिएगा। बहुत से साथी हैं, चलो इस नहीं अगले इंटरव्यू में जाएंगे और ये गोल्डन चांस मिस कर देते हैं, फिर कहते हैं किस्मत ही खराब। खराब नहीं है ये, किस्मत आपको बुला रही है कि भाई साहब ये इंटरव्यू है, आओ, काम को नॉलेज है, अगर ट्रेड हो तो आओ, हेल्पर हो कोई मुश्किल नहीं, तुम आओ तुम्हारा काम हो जाएगा। आप नहीं आएंगे, आपकी किस्मत बुला रही है, तो फिर रियल में आप बेकार इंसान है। आप अपने फैमिली के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके छोटे भाई, आपके परिवार आप एक तरह परेशान रहे और इधर उधर भटके, तो उनका फ्यूचर बनाने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, सच्ची बात थोड़ी कड़वी लगते हैं, जिन लोगों को बुरा लगा हो माफी चाहते हैं, लेकिन यही सच्चाई है। तो यह देखिए ट्रेड है, पासपोर्ट कोई भी चल जाएगा, पासपोर्ट। अच्छा एक चीज आप मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए मेरे भाई, बहरीन में उन्हीं लोगों का वीजा निकलता है जिनका पासपोर्ट में दो नाम, दो नाम का मतलब हो गया राम कुमार, दिलीप सिंह, मनोज यादव। अब सिर्फ मनोज रहेगा, कोई मां का लाल बहरीन का आपका वीजा नहीं निकाल सकता, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे लोग एकदम नहीं आएंगे जिनके पासपोर्ट में सिंगल नाम। सिंगल नाम का मतलब क्या हो गया, आप किसी का नाम सोच लीजिए कि मनोज कुमार है, मनोज यादव है, मनोज सिंह है, जो भी हो, एक नाम के बाद दूसरा नाम अगर आता है तो उसका वीजा इजिली निकल जाएगा। अगर नाम सिर्फ मनोज है, दिलीप है, राम है, श्याम है, सिर्फ एक ही नाम है, उसके बाद कुमार सिंह या कुछ भी ना लगा, ठीक है, तो उसका वीजा नहीं निकल पाएगा। ऐसे लोग नहीं आएंगे, नहीं तो किराया भाड़ा सारा नुकसान होगा और आपका काम भी नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है काम भी नहीं होगा, इस चीज को ध्यान देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग को यह ट्रेड पे थे और जो है पासपोर्ट टाइप ईसीआर एसएनआर जो भी दोनों चल जाएगा। फूड के लिए कंपनी आपको किचन फैसिलिटी दे देगी, आप जाएंगे तो गैस बर्तन दे देगी, आपस में पांच पांच बीड़ी लोग मिला के खाना बनाते हैं खाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओवर टाइम 8 घंटे के बाद जितना भी आप काम करेंगे 8 घंटे बाद टोटल आपको ओवर टाइम मिलेगा। ठीक है, जुमे को छुट्टी है, एम्प्लॉयमेंट वीजा का काम है, 2 साल का वीजा रहेगा, रहने के लिए कंपनी रूम प्रोवाइड कराएगी, वहां तबीयत आपका खराब होगा मेडिकल प्रोवाइड कराएगी, और भी जो आपका जो है फंड बोनस कटता है, जो भी बहरीन का लेबर ला है उसके मुताबिक देगी। 2 साल से कुछ उसमें काम करते हैं, कंपनी जो है आपको रिटर्न टिकट दोनों तरफ का देगा प्लस तनख्वाह देगा जो है, हाँ इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो भी वहां का रोल होगा उसका तनख्वाह भी देगा आपको। ठीक है, जो साथी इसके बारे में जानना चाहते हैं ये लिख दीजिए, सैयद खादिम कंपनी है बहरीन की, बहुत पुरानी, किसी से भी पूछेगा बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, मैंने खुद आदमी भेजा है और कहीं से कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथी। अब बात करते हैं, अब बात करने का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं। इमरान अहमद भाई, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं और आपने वीडियो शेयर किया, इमरान भाई आपका ने वीडियो शेयर किया है, बाकी टाइम बहुत नजदीक आ रहा है, जो भी हमारे वीडियो को शेयर कर रहा है हमारी टीम आपका नाम डिटेल सारा नोट कर रही है, कूपन ड्रा निकला जाएगा, जो भी आदमी का जो है इसमें कूपन में नाम निकलता है उसको फ्री ऑफ कास्ट कहीं घूमने के लिए भेजा जाएगा विदेश में, या तो उसको फ्री रोजगार दिया जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हुआ दोस्त, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? देखिए लग रहा है इनके नेट स्लो है, आवाज नहीं आ रही है, और दूसरे लोग को जो है मैं देता। संदीप भैया तो आप तो फैन ही हो गए हैं जान लीजिए, और कोई साथी है अनीस राव, अनीस राव सर, सर कैन, ठीक है अनीस राव साहब मैं आपको लगाया हूँ कॉल। नमस्कार सलाम भैया, आज बात कर रहे हैं जी, बिहार से अनीश चौधरी। जी जी बताइए चौधरी साहब, क्या आपकी मदद कर सकता हूँ मैं? सर लगाए थे पासपोर्ट 5-6 महीना हो गया, ऑफिस में है, कहीं नहीं हुआ अभी तक। क्या ट्रेड क्या है आपका? रीगर है, मैकेनिकल हेल्पर है मेरे भाई। तो रीगर मैकेनिकल हेल्पर का इंटरव्यू आता है, क्यों नहीं मानने आते हैं? कितनी बार इंटरव्यू मानने आए? ओमान में मारे थे, अल तुर्की में नहीं हुआ, कतर के लिए सर बोले थे तो उसमें भी नहीं हुआ।
क्योंकि आप फेल हो जा रहे हैं, तो आप आके अपना डॉक्यूमेंट पासपोर्ट ले जा सकते हैं। अब देखिए मेरी बात फेल ध्यान नहीं से हूं मैं सुन, सर। बहुत से साथी ऐसे हैं जो इंटरव्यू देते हैं और फेल हो जाते हैं। अच्छे समझ लीजिएगा, इंटरव्यू दिए फेल हो गए, बोले नहीं भैया फिर दूसरा जगह ट्राई करिए, दूसरा जगह ट्राई भी किया, इंटरव्यू दिए फेल हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी साथी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं चौधरी साहब, आपका फर्ज बनता है कि इंटरव्यू है, इंटरव्यू के दिन आप आए हेल्पर में जाने के लिए, जो है 22 तारीख को आप इंटरव्यू पास करेंगे, आपका सीवी सेलेक्ट होगा, तभी वीजा निकलेगा। हम अपने पास से किसी को वीजा नहीं देते हैं, कंपनी देती है, समझ रहे हैं। 50 लोग हैं, उसमें से सेलेक्ट करेगा जो जो कंपनी को अच्छा लगता है उसका वीजा निकाल के दे देगा। और ना ही मैं बोल पाऊंगा कि चौधरी साहब हमारे पहचान के हैं, सब बाकी छोड़िए इनका निकाल दीजिए, वो कहेगा ठीक है तुम ही निकालो, तुम ही सेलेक्ट करो, हमको होटल में छोड़ दो, समझ रहे हैं। क्योंकि अगर आप सैलरी दे रहे, आप कल्पना करिए कि मेसन को एक दिन के लिए आप काम पे रखते हैं, पूरा उसे चेक करते हैं सही जोड़ता है कि ना, दो आदमी उसको मिलकर काम करवाता है, और दीवार थोड़ा सा इधर से इधर टेढ़ा हो गया, तुरंत कहेंगे तो पैसों नहीं दो जाओ तुम तुरंत। अगला आदमी यार 2 साल तक आपको कंटिन्यू सैलरी देगा, उस देश में एयरपोर्ट पर उतर के उसी समय से आपका मीटर स्टार्ट हो गया, तो सोचिए यार कितना, कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है आपके अंदर, ठीक है, तो इस फॉल्ट को सुधारिए और सोचिए क्यों आप जो है बार बार फेल हो जा रहे। और कोई साथी है जो बात करना चाहता है? कोई साथी है जो बात करना चाहता है तो बताएं। आप देखिए इसमें नंबर वगैरह ना डालें, क्योंकि आप फोन नंबर डालते हैं तो भाई सिंपल सी बात है, हमारे पास टाइम नहीं है कॉल करने के लिए, फर्जी आदमी फोन करेगा आपका यही नंबर निकाल के, कल को आप पैसा दे देते हैं तो आप ही जानिएगा। ब्रिजेश ब्रिजेश मौर्य साहब ने शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और वही लोग आएंगे हेल्पर में, तो सारे लोग चलेंगे, वही लोग आएंगे जिनको काम मालूम है मेरे भाई, ऐसा नहीं टाइम पास करने वाले नहीं आएंगे कि चलो उसी तरह स्टील फिक्सन में चले जाते हैं, यहाँ पता चला रिंग ही नहीं बना पा रहे हैं, उसी तरह मेसन में चले जा रहे हैं प्लस्तर ही नहीं कर पा रहे हैं, टाइल्स मेसन में आ जा रहे हैं टाइल्स ही नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑफिस जान लीजिए 500 रुपये फीस लेता है, और इसलिए लेता है कि आप हमारे वेबसाइट पे जाके पासपोर्ट नंबर अपना डाल के स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप अपना जो है फोन नंबर सॉरी पासपोर्ट नंबर ही मेरी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, पूरा डिटेल आपको मालूम चल सकता है अपना, प्लस आपको जो है उसका रसीद दिया जाता है। सबसे मेन वजह है कि हम लोग फालतू लोगों से परेशान हो गए, हमको बहुत ज्यादा आदमी नहीं चाहिए मेरे भाई, 10 आदमी आए जिसको काम मालूम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 100 आदमी आएंगे 90 को काम ही नहीं मालूम, इंटरव्यू फेल हो गए, 10 पास हो गए, तो मेरा भी इज्जत क्लाइंट नहीं करेगा, कहेगा यार सब सिर्फ आदमी दिखाने के, वो लोग क्या है कि सिर्फ आदमी दिखाने के लिए खड़ा कर दिया, मेरे पास बहुत ज्यादा आदमी है, काम का आदमी भी नहीं निकलना। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, हेल्पर कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई काम मालूम नहीं चाहिए, हेल्पर मतलब हेल्पर ही होता है, सीधा सीधी बात है भाई साहब, और सारा का सारा काम उसका सिलेक्शन डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन बाकी जो ट्रेड वाले हैं उनको लाजिम में काम मालूम होना ही चाहिए किसी भी हाल। और कोई साथी है जो बात करना चाहते हैं? और कोई साथी है जो बात करना चाहते हैं? मैं इंतजार कर रहा हूं, वीडियो को शेयर करें, मैं डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूं। हसमुल्ला अंसारी भाई पूछ रहे हैं हेल्पर में क्या, हेल्पर मतलब हेल्पर होता है मेरे भाई, समझ रहे हैं, आपके घर पे अगर एक हेल्पर दिया जाए तो आप क्या काम करवाएंगे आप क्या काम करवाएंगे बताइए, हेल्पर मतलब हेल्पर होता है। और जो भी लोग, एक चीज मैं ध्यान से बता दे रहा हूँ, जो भी लोग आना चाहते हैं उनको फोन करने की जरूरत नहीं है, कहीं से कोई परेशान करने की जरूरत नहीं है, इसी नंबर पे मैसेंजर पे हाय लिख के भेजें, मैं तुरंत मैसेंजर में पूरा देखता हूँ, अपना मैसेंजर खोल के ही रखता हूँ, कौन क्या लिख के भेज रहा है क्या नहीं, समझ रहे हैं। तो इसमें जो है जैसे ही आप हाय लिख के भेजेंगे वैसे ही मैं ऑफिस का पूरा एड्रेस भेज दूंगा और वीडियो भेज दूंगा, आप देख के आ सकते हैं। बाकी जो दोस्त पढ़े लिखे हैं अपना यूट्यूब पे जाके सिर्फ सर्च मारेंगे, और यूट्यूब पे जाके सिर्फ सर्च मारेंगे परफेक्ट ग्रुप ऑफिस एड्रेस, मैं एक बार दिखा भी दे रहा हूँ, तो तुरंत मेरे ऑफिस का वीडियो आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। देखिए परफेक्ट
ग्रुप ऑफिस एड्रेस। ये देखिए, यह जब अपने मोबाइल के यूट्यूब पर आप सर्च मारेंगे परफेक्ट ग्रुप ऑफिस एड्रेस, तो दो वीडियो आएगी, एक 62,000 लोग देखे हैं इस रास्ते से सिर्फ पैदल वाले आएंगे, और दूसरा जो है यहाँ पे ये जो है 6,400 देखे, इस पे जितने लोगों के पास बाइक हुई रहेगा तो रास्ता यह वीडियो बताना पूरा ना, देख लेगा। मैं ठीक तो है, कह पा रहा हूँ रास्ता बता ये दो, बाइक के ये लिए लोग के रास्ता चक्कर है। में ठीक बच है, जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा और इसी को फॉलो करके आपको आना है, और इस मैसेंजर पे हाई लिख के भेजेंगे, तुरंत आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है, लेबर की वैकेंसी है, अजय सिंह साहब हेल्पर लेबर ही होते हैं। ठीक है, जो भी मिस्त्री के साथ उनको लगाना रहता है वो लगा लेते हैं। और कोई बात साथी बात करना चाहता है तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। कोई है साथी जो बात करना चाहता है, वीडियो को शेयर करें। सदाब सदा भाई आप शेयर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कॉल में लिख रहे हैं, एक बार वीडियो को शेयर करें ताकि मैं बात कर सकूँ। देखिए, जैद खान साहब ने पूछा कि भाई एज लिमिट क्या है। देखिए, मैक्सिमम कंपनी आप देखेंगे तो लगभग लगभग 70% कंपनी 20 साल से 40 साल तक ले लेती, समझ रहे हैं? 40 साल से एज अगर आपका ज्यादा है तो मुश्किल है भाई। ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं, काम की अच्छी नॉलेज है, आप देखने में कम एज लग रहा है, पासपोर्ट में ज्यादा हो रहा है, आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं सियोरिटी गारंटी नहीं लूंगा कि आपका काम होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अवनीश पासवान जी सुपर मार्केट वाला शाम तक आया था, आएगा इधर, मैं तो आप लोगों को बताया था शाम तक क्या वही आएगा, अगर कल जुमा हो जा रहा है तो शनिवार को आएगा, जैसे ही आएगा आपको कॉल किया जाएगा। शाहिद अंसारी भाई आपने शेयर नहीं किया है वीडियो, जो भी साथी बात करना चाहता है एक बार वीडियो को शेयर करें ताकि मैं बात कर सकूं आपसे। विपिन शर्मा जी आपने भी शेयर नहीं किया है, अर्जुन यादव साहब वीडियो को शेयर करिए तभी बात हो पाएगा। कोई साथी है इलेक्ट्रिशियन का ही है भैया, देखिए जब तक आप वीडियो शेयर करें तब तो मैं दोबारा रिक्वायरमेंट बता दे रहा हूँ, और अच्छे से देख लीजिए समझ लीजिए। ठीक है, ये देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जब तक आप शेयर करिए जो भी साथी बात करना चाहते हैं। ये देखिए, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कंपनी को जो है हेल्पर 200 चाहिए, इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर सिर्फ और सिर्फ विदेश रिटर्न चलेगा, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर दो ट्रेड है, विदेश रिटर्न ही चलेगा, वही लोग इंटरव्यू देने के लिए आएंगे। सैलरी क्वांटिटी कितना चाहिए वो भी लिखा है, स्टील फिक्सर मेसन टाइल्स मेसन हेल्पर, ये सारे इंडिया एक्सपीरियंस वाले चल जाएंगे। ठीक है, आपको काम मालूम होना चाहिए स्टील फिक्सर मेसन और टाइल्स का, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हेल्पर का तो कोई कुछ नहीं है, फ्रेशर ही चल जाएगा। ये सारा एज जो है 20 से 40 चाहिए, पासपोर्ट टाइप कोई भी रहेगा एसीआई सीएनआर चल जाएगा। फूड के लिए कंपनी जो है किचन फैसिलिटी दे देगी, आपको बना खाना रहेगा। ये जो भी सैलरी लिखा गया है वो 8 घंटे का लिखा है, 8 घंटे के बाद जो भी ओवर टाइम होगा आपको मिलेगा। सप्ताह में 6 दिन काम करने रहेगा, फ्राइडे को छुट्टी रहेगा, वीजा जो है और 2 ईयर का एम्प्लॉयमेंट वीजा रहेगा। ठीक है, और जो है एकोमोडेशन रहेगा, कंपनी रूम देगी, मेडिकल प्रोवाइड करेगी, बाकी जो है बहरीन के रूल्स के हिसाब से ही रहेगा। ठीक है, मोहम्मद सैफ भाई लगाए शेयर कर दिए, मैं कॉल कर रहा हूँ दोस्त। सदा भाई मैं आपको लगा रहा हूँ, कॉल लगा रहा हूँ जी। सदा भाई सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम भैया। ये दूसरी बार आपसे बात हो रहा है, कैसा जी भैया जी, सही चल रहा है आपकी मेडिकल, चल रहा है। बताइए ना आपके लिए मैं क्या कर मेडिकल में सकता हूँ। कोई वही पूछना था भैया कि शोरकीपर का नहीं आता है क्या? जो भी देखिए मेरे पास रिक्वायरमेंट रहता है मैं इसी तरह लाइव सार्वजनिक आके बताता हूँ, समझ रहे हैं? चाहे मेरे साथ हो चाहे बिना हो, जो भी हो, जिसको भी जाना है लाइव देखते रहे, उसी को फॉलो करता रहे, उसका काम हो जाएगा। आप इस बोलिए जमा के अपना पासपोर्ट लगा दें, शोरकीपर का हमको चाहिए लगाइए मत, अभी लगाइए मत, क्योंकि स्टोर कीपर का बहुत ही कमी आता है, स्टोर कीपर बहुत कम ही चाहिए होते, कंपनी में 2-4-5 रहते हैं, कंपनी में अगर 10,000 आदमी था। के साथ मैक्सिमम 10 ही स्टोर कीपर रहेंगे, समझ रहे हैं? और तो बहुत हॉस्पिटल कम का आता है क्या?
और कंपनियां जो है स्टोर कीपर जानते हैं, जो उनके कंपनी में काम करते करते पुराना हो जाता है, उसी लोगों को प्रमोट करके बना देती है जान। अच्छा, यही सच्चाई है। बाकी आप इंटरनेट पे फेसबुक पे पूरा रिक्वायरमेंट देख रहे होंगे, स्टोर कीपर का, टाइम कीपर का, पैकिंग का, नहीं सर, माल के बहुत देते हैं अंदर, सर। तो सब फेक रहता है, सब फर्जी रहता है जान लीजिए। अरे भैया कि मेडिकल का नहीं आता हॉस्पिटल में किसी का? अब जो भी आएगा मैं लाइव डालता रहूंगा, आप देखते रहिए, माफी चाहते हैं। हेल्पर में जाना है तो तुरंत आइए भैया, ठीक है? 22 तारीख को आइए, अपना जो भी है इंटरव्यू वगैरह जो भी है दीजिए। और कोई साथी है जो बात करना चाहता है तो बताएं, वीडियो को शेयर करें ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। देखिए सिकंदर भाई अपना फोन नंबर डाल दिए, अब कोई ना कोई इनका नंबर पे कॉल करके इनके साथ फर्जी करेगा। तैयार रहिए सिकंदर भाई पैसा लुटाने के लिए अपना। बार बार बोलता हूँ कमेंट में फोन नंबर नहीं डालना है। बाकी बहुत से साथी हैं जिनको अपने परिवार के लिए कुछ करना नहीं है, अपनी जिंदगी को एक टाइम पास समझ लीजिए, टाइम को उसी तरह गुजार रहे हैं, समझ रहे हैं। वो सोचते हैं कि नहीं बात हो जाए तब जाएंगे, तो जाए तो पता नहीं ऑफिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं। उनकी लाइफ बर्बाद है, घर पे रह के इसे सिर्फ सोचते रहिए, करिए कुछ मत, ठीक है? एक समय ऐसा आएगा कटोरा लेके हाथ पे बैठना पड़ेगा। आज की डेट में आपके गार्जियन है, बड़े भाई हैं, जो भी लोग हैं, घर का खर्चा चला रहे हैं, लाइफ भर नहीं चला सकते, जिंदगी भर नहीं चला सकते हैं भाई साहब। एक समय उसी घर से आप निकाले जाएंगे यार, तब तक तुम्हारे तुम्हारे परिवार का जो है जिम्मेदारी हम निभाएंगे। तभी वक्त है, ठीक है? जो साथी इस राह बर्बादी के राह पे चल रहे हैं वो अभी से जो है अपने बच्चों को अपने परिवार का चेहरा देख के निकल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मेरे ऑफिस पे आइए, मैं ही सिर्फ भी दे, नहीं, आप काम करिए, दिल्ली जाइए, बम्बई जाइए, जहां भी जाके आप काम करिए, अपने परिवार के लिए कुछ करिए, ठीक है? घर बैठ के अपना टाइम बर्बाद मत करिए मेरे भाई, क्योंकि क्योंकि जो है फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। अब बहुत से कैंडिडेट आते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है, हम लोग भी जो है एक एक चीजों से गुजरा हुआ है, ठीक है? ऑफिस वाला, कोई भी ऑफिस वाला है, अगर आपसे कहता है मेडिकल करवाना है तो आपके पास मेडिकल का पैसा भी नहीं रहता है मैक्सिमम लोग के पास, वो भी जो है किसी से कर्जा लेकर आते हैं। सबसे पहले बीवी का जो है सोना या कोई भी चीज है बंधक रखा जाता है। मुझे एक एक चीज आपके बारे में मालूम है, आप जो है पूरा मेरे ऊपर भरोसा करिए, मैं आपके हर एक कदम पे साथ हूँ। और इसमें जो भी पास होगा मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, जो भी इस इंटरव्यू में पास होगा मेरे भाई, उसको तुरंत का तुरंत ऑफर लेटर मिलेगा और तुरंत गमका मेडिकल के लिए जाना होगा। आप अपने हिसाब से पता कर लीजिएगा बहरीन का गमका मेडिकल का क्या चार्ज है, कितना लगता है। तुरंत आपका गमका स्लिप हमारे ऑफिस में ही काटा जाएगा, स्लिप का जो भी पेमेंट होगा आप दे दीजिएगा, उसके बाद स्लिप लेके डायरेक्ट आपको लखनऊ कराना है, दिल्ली कराना है, पटना कराना है, जहां भी कराना है लेके, या पासपोर्ट या रिटर्न लेके जल्दी से मेडिकल रिपोर्ट के साथ पासपोर्ट देंगे, तुरंत वीजा आपका लग जाएगा। इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, तो कुछ पैसा साथ में लेके आइएगा, ये ना हो कि फिर जाए आप घर, फिर कई चक्कर हो जाएगा, समझ रहे हैं? कई चक्कर हो जाएगा और कंपनी ऑन द स्पॉट तुरंत मेडिकल रिपोर्ट मांग रही है। और कोई साथी है जो बात करना चाहता है? कोई साथी नहीं है, ठीक है? एक बार और चांस देता हूं, जो साथी शेयर करना चाहता है वो एक बार वीडियो को शेयर कर ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। जाते के क्रम में मैं फिर से बता रहा हूं कि ये रिक्वायरमेंट है। ये देखिए, हेल्पर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, स्टील फिक्सर, मेसन, टाइल्स मेसन, एसकेटी ग्रुप बहरीन की है, जबरदस्त कंपनी है। और जो है इसमें अरबी क्लाइंट ऑलरेडी आया है, आ गया यार लेडी, होटल में ही है। और जो है 22 को मॉर्निंग में जो है 8-9 बजे से ही इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, 22/10/2022 में। और इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर विदेश रिटर्न ही कैंडिडेट चाहिए, बाकी सारे के सारे हेल्पर ही चाहिए, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा और रिक्वायरमेंट के साथ मैं अलविदा आपसे कह रहा हूँ। मुझे उम्मीद है जो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं जरूर इंटरव्यू में भाग लेंगे, और इंटरव्यू पास होते हैं तो बाहर जाकर जरूर कमाएंगे। ऐसे लोग कभी भी नहीं आएंगे जो इंटरव्यू पास हो जाए फिर कंफ्यूजन में जाए कि ना जाए, आपको अपना फैसला खुद करना पड़ेगा मेरे भाई। बहुत से लोग हैं जो अभी राय लेंगे लोगों से, ये भैया रिक्वायरमेंट आया पर डाला, जाए कि ना जाए। अब वो कहेगा मत जाओ तो नहीं जाएंगे, कहेगा जाओ तो जाए, आपकी जिंदगी उसके हवाले, क्या आया
आपके अंदर दिमाग है, जान है, हाथ पैर है, लेकिन अपने बारे में आप खुद डिसाइड नहीं कर पाते। यहाँ पर भी आएंगे, क्लाइंट आपका इंटरव्यू लेगा, इंटरव्यू लेने के बाद सैलरी बताएगा, फिर भी आप क्लाइंट कहेगा साइन करो, अगर तुमको इस सैलरी में एग्री हो साइन करो, तभी भी कंफ्यूज रहेंगे जाके बाहर। हाँ भैया, हाँ चाचा, अपनी बीबी से राय लेंगे, बताइए इतना सही लगा था, जाए कि ना जाए आप डिसाइड करो ना मेरे भाई, आपकी लाइफ है, सिर्फ और लोग राय आपको देंगे, करना जो भी चीजें हैं करना, आपको जो है गम झेलना, सुखी झेलना, सब आपको है। तो आप अपना लाइफ का जितना जल्दी फैसला लेंगे उतने आगे बढ़ेंगे। कोई भी इंसान इतिहास में ले लीजिए, जो पूरे, मैं पूरे हिंदुस्तान के, पूरे वर्ल्ड का बात कर रहा हूँ, वही लोग आगे बढ़े हैं जो खुद डिसीजन लिए, दूसरों डिसीजन नहीं चले। हमको करना है तो करना है, दुनिया भाग में हमको अपने हिसाब से काम करना है। चल जाएगा भैया, स्टील फिक्सर में प्रेशर चल जाएगा, रिंग जो भी चीजें हैं बनाना आना चाहिए। ठीक है हसबुल्ला भाई, आलम भाई, वीडियो को शेयर करेंगे तभी तो बात होगा। बाकी जो है मैं हर एक तरह से आपके साथ हूँ, जो भी हमसे हो पाएगा हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरे पास वही आदमी है जिनको बाहर जाना है, जिनको काम मालूम है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, और नीतीश कुमार एचआर साहब ने शेयर किया है, मैं आपको लगा रहा हूं। राम सिंहासन कुमार साहब हैं जो लगाए हैं। बाकी आप वीडियो को शेयर तब तक करिए, आपसे भी मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों से भी, जितने लोग हैं आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ।